ओम नमः शिवाय। आइए इस वीडियो में आज हम यह चर्चा करेंगे कि घर के आसपास कौन कौन से पेड़ होने चाहिए, कौन से पेड़ शुभ हैं और कौन से अशुभ। कांटेदार वृक्ष के घर के पास रहने से घर के मालिक को शत्रु भय होता है और दूध वाला वृक्ष यानी लेटेक्स प्लांट्स घर के पास रहने से धन का नाश होता है। इन पेड़ों की लकड़ी का घर में इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं होता है। कांटेदार और दूध वाले वृक्षों के स्थान पर यदि अशोक, कटहल, शमी, शाल के पेड़ लगाए जाएं तो इन दोषों की समाप्ति हो जाती है। मकान के दक्षिण में पाकड़ यानी जिसको इंग्लिश के अंदर फिकस विरिंज कहते हैं, पश्चिम में बरगद, उत्तर में गूलर और पूर्व में पीपल का पेड़ अशुभ होता है, किंतु उत्तर में पाकड़, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गूलर और पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ होता है। ऐसा वचन हमें वराहमिहिर द्वारा रचित ब्रज संहिता के वास्तु विद्या अध्याय के श्लोक नंबर 83 से प्राप्त होता है, किंतु श्री राम निहोर द्विवेदी द्वारा संकलित ब्रज वास्तुमाला के श्लोक नंबर 71 के अनुसार थोड़ा भेद है। उनके अनुसार पूर्व में पीपल का वृक्ष और पश्चिम में बरगद का वृक्ष उत्तम होता है। समरागण सूत्रधार के अनुसार बेल, केला, अनार और नींबू जिस घर में उगते हैं उस घर की वृद्धि नहीं होती। पीपल, कदंब, केला, नींबू जिस घर में होते हैं उसमें रहने वाले लोगों की वंश वृद्धि नहीं हो पाती। नारियल, अशोक, चमेली, केतकी, नागकेशर, शमी, चंपा, अर्जुन, कटहल, बकुल, शाल, वट आदि वृक्ष घर के पास शुभ होते। पाकड़, गूलर, आम, नीम, बहेड़ा, पीपल, बेर, इमली, कदंब, केला, नींबू, अनार, खजूर, बेल आदि वृक्ष घर के पास अशुभ हैं। अब हम यह चर्चा करेंगे कि किस दिशा में कौन सा पेड़ शुभ है और कौन सा अशुभ। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित भवन भास्कर के अनुसार पूर्व में पीपल भय और निर्धनता देता है परंतु बरगद कामना पूर्ण करता है। साउथ ईस्ट में वट, पीपल, पाकड़ और गूलर पीड़ा और मृत्यु देने वाले हैं लेकिन अनार शुभ होता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार घर के भीतर लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी, धन पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातःकाल तुलसी का दर्शन करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। भविष्य पुराण के अनुसार अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए। हम आने वाली अगली वीडियो में मकान की, भूमि और विभिन्न दिशाओं की चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी आगामी वीडियोस को समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।